श्री अमृतसर साहब का रुख करांगे कल्लूकारा दिवस ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय फौज ने श्री दरबार साहब दे विच कीता। तकरीबन 36 साल तो वादा समा हो चुके है पर एडी वड्डी फोर्स लाने की जरूरत की पई। फ्लैग मार्च श्री अमृतसर साहब की धरती ते हो रहा है, वख वख मायने भी इस दे कड्डे जा रहे ने। साढ़े सहयोगी परमवीर सिंह औलख इस खबर ते तफसील नाल समझाउण दी कोशिश करनगे। परम ओवर टू यू, तस्वीरां नूं एलैबोरेट करन दी कोशिश करो। बिल्कुल, असी खड़े हाँ अज गलियारे के बाहर। इधर तस्वीरां तुसी देख सकते हो, सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं राह जांदा है। राह तां उही है पर अज असी कह रहे हैं कि तस्वीर विलखण है। तस्वीर इस करके विलखण है, तुसी देख सकते हो कि इस कदर जिहड़ी फोर्स है वह लगा दी गई है। इधर तस्वीरां तुसी देख सकते हो, घोड़ियां ते काठियां जिहड़ियां ने उह पा दित्तियां गईआं ने ते कुछ ही समय दे विच इत्थों इक फ्लैग मार्च कढ़िया जाणा है। फ्लैग मार्च इस करके क्योंकि जेड़े हालात पंजाब दे इस टाइम हैगे ने उसे नूं किते ना किते नत्थ पाउण वास्ते तुसी देख सकदे हो। उच्च अधिकारी भी पहुंचे हुए ने, डीसीपी भंडाल पहुंचे ने, वड्डी गिणती दे विच फोर्स हैगी है क्योंकि 6 जून का समा हैगा। बहुत ही सेंसिटिव एरिया मन्या जांदा है अमृतसर 6 जून दे उत्ते। इधर भी तस्वीरां एक बार जरूर दिखा दिओ, वीडियो जर्नलिस्ट नूं कहांगा। इधर भी फोर्स एक एक करके तुसी देख सकदे हो कि पुलिस मुलाजम जिहड़े है ये दिन रात तैनात किए हुए ने। एक बार जूम करके तस्वीर जरूर दिखा दिओ, दूरों दरेड़ियों जिहड़ा है ये यानी कि असी कह सकते हैं छौनी दे विच तब्दील कर दिता गया है। सारे का सारा अमृतसर के आले दुआले का एरिया तुसी देख सकते हो। तस्वीर ने जिथे कि आर ए एफ की गल करिए, CPRF की गल करिए, असी मिलटरी की गल करिए, असी ब्लैक कमांडोज की गल करिए, मतलब कि असी कह सकते कि केंद्र दी किन्नियां एजेंसियां जिहड़ियां ने वह पहुँच चुकिया ने इत्थे, जिस दे विच यही है कि सुरक्षा नूं यकीनी किस तरह बनाया जाए क्योंकि जो हालात पंजाब दे हैगे ने। दो दिन पहला असी देखिया है कि माहौल की सीगा क्योंकि 4 दिन पहला जिहड़ा एक वाकया हुंदा सिद्धू मूसे वाले दे नाल जिहड़ी उसकी हत्या की जाती है, उस तो बाद पूरा देश पूरी दुनिया दे विच इक वार तहलका मच जांदा है कि आखिरकार किवें दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है। उसे मुख रखते तुसीं देख सकते हो यह विलखण तस्वीर इसे करके है कि लोगों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए, लोगों की पंजाब के लोगों की देश के लोगों की जिहड़ी सुरक्षा है उसनू यकीनी बनाया जाए। तो मंग यही है, लोगों की भी यही मंग है कि दिन रात जिहड़े सड़कों के उत्ते जिहड़े है वह निकल सकन लोग। तुसी देख सकते हो इधर एक एक करके तुहानू मैं जरूर दिखावांगा। हालांकि लेडीज़ पुलिस की गल की जाए तो वह भी तैनात की गई है, तुसी देख सकते हो कि DCP भंडाल होरी भी इत्थे पहुंचे हुए ने वड्डी गिणती दे विच ताकि कोई परमा SGPC दे प्रधान HS धामी नाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने एक्सक्लूसिव गलबात की। उन्होंने वड्डा एलिगेशन लाया कि हुकूमत सिखां दे मनां च खौफ पैदा करना चाहती है। बिल्कुल, खौफ की तो इसे खौफ ने ठल पाउण वास्ते तुसी देख सकते हो क्योंकि जेकर असी कृष्ण गल करिए सरकार नवी है क्योंकि असी देखिया कि कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे वह असी कह लिए या इधर DCP भंडाल भी साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने भी असी गलबात जरूर कर लैंदे आ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਭੀੜੇ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟੋ ਫਟ ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। इस फ्लैग मार्च में हमारे पास जो हमारी कमिश्नरेट की पुलिस और उसके अलावा हमारे को कमांडो पुलिस, आर्मर्ड पुलिस, ये सभी हमारी फोर्स है और इनके साथ साथ हमारे जो देखा ना आपने और जो PAP से आर्मर्ड बटालियन से घोड़े वगैरह भी आए हैं वो भी हमारे साथ सारे पेट्रोलिंग जाएंगे। बैरिकेड्स लगे होंगे तो लोगों को कैसे ढील दिया जाएगा? बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं ताजो कि उनके मन में कोई डर ना रहे, वो आए हैं बाहर से उनको ऐसा कुछ ना लगे कि हमें यहाँ सुरक्षा फील नहीं कर रहे, उनके लिए ही सब कुछ हो रहा है और जो हमारे शहर के वासी हैं उनके लिए कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, ताजो कि उनको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा उनके मन में 5-6 तरीक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या होने वाला, सभी शहरवासियों के उनके साथ मिलजुल कर ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल जी, लोगों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये पुलिस जो आपकी सुरक्षा के लिए आई है और आप इनके साथ मिलजुल कर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा, हमारे लोकल ऑफिसर सभी हैं उनके साथ, अगर कोई इसी तरह की कोई दिक्कत तो हमें बताएं, हम उनके साथ रोजाना मिलते रहते हैं और बाहर से जो फोर्स है उनको हमको बिल्कुल वेल ब्रीफ कर दिया है ताजो कि ये आने वाले दिन जो गलू वगैरह चल रहा है उसके लिए वे हम जो बाहर से संगत आई है उनको पूरा जड़ा है
ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ 5-7%, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੜਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਭੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੈਪਰੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।